अरे धक्का मत मारो, आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखा और उसको साकार करने के लिए भरसक प्रयास। बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे। मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की यह अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी। और आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है। यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल है। और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक तैयारी यहां पर की, जो काम है उनको भी यहां पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहां पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है, ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई, वो भी आते रहे यहाँ पर, और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में जाना भी मुश्किल था, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराया। और पिछले एक महीने पहले मैं खुद वहां आया था, वहां लोग गणपति मनाया, वहां पर लोगों ने, ये भी सब जो इतिहास है ये बदलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन करते थे। और इसलिए अनेक मुस्लिम जमींदारों ने शिवाजी महाराज के दुर्लभ गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस दौर में धर्म, जाति, क्षेत्र
और संप्रदाय की भावना को मिटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज निर्माण से सभी वर्गों को जोड़ा और आज भी उनके वह आदर्श हमारी अनमोल धरोहर हैं और भारत की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक भी। विजयलक्ष्मी का वर्ण करने वाले सूरवीर कैसे सोचते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, यह भी शिवाजी महाराज के जीवन से बेहतर कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। किसी आदमी को देखते ही वह उसके चरित्र और ताकत को ठीक समझकर उसके अनुसार काम में लगाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक उन्हें देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि वह सबके साथ भाइयों की तरह, घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि शिवाजी की प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी। इसे समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्य युग के भारत में एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रचंड मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि उस समय राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए शिवाजी के मराठे रात के डरावने सपने की तरह होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे आंधी के हाथ में बिजली हो। मैं समझता हूं इसका कारण था शिवाजी महाराज के चरित्र में साहस और विचारों का पूर्ण समावेश। उनके जैसा युद्धवीर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ।